हेलो एवरीवन, आई एम आशीष नोटियाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस हमेशा की तरह अच्छी ही चल रही होगी। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार आप ढोलक और तबले के दोनों के लेसन अपलोड कर रहा हूँ। तबले के दो लेसन अपलोड कर चुका हूँ। एक दिन एक लेसन तबले का आता है, एक दिन ढोलक का आता है, इस तरीके से। तो ढोलक पर 18 वीडियोज़ में पहले अपलोड कर चुका हूँ, मतलब 18 लेसन, लेसन 1 से। और ये वाला जो लेसन है हमारा, इसमें हम सीखने वाले हैं कहरवा। जब भी आप बजाते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कई सारे गानों में कि जब गाना स्टार्ट होता है, मतलब गाना जब शुरू होता है, तो वहाँ पर कुछ मुखड़ा टाइप से पहले लगाया जाता है। मुखड़ा मतलब मैं अभी बताऊँगा आपको किस तरीके से। और उसके बाद गाने को उठाया जाता है, मतलब एक पिकअप बनाया जाता है गाने का, और फिर उसको बजाया जाता है, फिर मेन ठेका बजाया जाता है गाने में। तो किस तरीके से, जैसे कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताने वाला हूँ किस तरीके से आप बजा सकते हैं। जैसे इसके कई सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि ठीक है, इस तरीके से, या फिर तो ये हम सीखने वाले हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, टुकड़े जैसे कि लगाने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि तागे त्रिकट तक तक त्रिकट दिते दिना तिते दिना, या फिर दिते दादा तिते दा। ये चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं। अभी हम सीखने वाले हैं जैसे कि स्टार्टिंग में मुखड़ा टाइप का, अच्छा होता क्या है, जब भी हम कोई मुखड़ा बजाते हैं तो मुखड़े के बाद थोड़ा सा आपको टुकड़ा भी बजाना होता है, मतलब एक पिकअप टाइप का देना होता है। मुखड़ा आपने बजाया शुरू से, एकदम से डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, कैसे, क्योंकि पिकअप नहीं मिला गाने को। पिकअप देना जरूरी है जब भी आप मुखड़ा बजाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला मुखड़ा, मैं दो तीन आपको बताऊंगा, इसकी प्रैक्टिस आपने कंटिन्यू करनी। पिछले लेसन मुझे उम्मीद है कि आप लगातार प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, इनको भी आपने तरीके से प्रैक्टिस करना है। और अक्सर आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, तो उनमें कई सारे सवाल पूछे गए, जैसे कि हमें एक पैटर्न की प्रैक्टिस कितनी बार करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, कितना टाइम उसको बजाना चाहिए। तो जितना भी आपको टाइम मिलता है उतना बजाएं, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि कब तक हमें बजाना चाहिए। जब तक आपके हाथ में वो चीज़ नहीं आती है, उसको आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपको एक महीना लगे, दो महीना, तीन महीना, छः महीने, उसको मतलब कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जो भी ये पैटर्न दिए जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपने ये सीखा और छोड़ दिया, और जो पैटर्न आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया वो छूट ही जाएगा, वो आप बजा नहीं सकते। हर पैटर्न की प्रैक्टिस होना जरूरी है, लगातार उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि YouTube में मैं सिखा ही रहा हूँ, आप लोग सीख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर समझ में आपको नहीं आता है, आप ये चाहते हैं कि हम आमने सामने बैठ के ही सीखें, जैसे कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो भी फीस है वो मैं आपको बता दूंगा, साइड में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर YouTube से ही सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। जब आप चैनल कभी भी सब्सक्राइब करते हैं तो साइड में एक बेल आइकन आता है, घंटी का निशान, उस पर क्लिक करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर देंगे। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास सबसे पहले आएगी, और आप इसी तरीके से YouTube से भी सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ढोलक हो या तबला। तबले के लेसन अलग से अपलोड होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला जो हमारा पैटर्न है, मीडियम कहरवा का ही है ये। इसको आप थोड़ा बढ़ा के भी बजा सकते हैं, बढ़ा के मतलब थोड़ा स्पीड तेज करके, और थोड़ा मीडियम में भी बजा सकते हैं। किस तरीके से, इसके बोले ता ताती नक ताती ता ताती नक ताती ता ताती ता ताती नक ताती ता ताती नक ताती ता ताती। अब ये बजाना किस तरीके, आपने सबसे पहले ता हम बजा रहे हैं यहाँ से, ती इन तीनों उंगलियों से, तीन का मतलब ये दोनों उंगलियों का टिप्स लगेंगे, ता
ताती ता इसरी ताती, ठीक है। ता के साथ भी यहां से हमने का का यूज करना है, ये वाला बोल ता, फिर ता ती ता ता ती, फिर आएगा ना क ता ती, इस तरीके से ता ता ती ना क ता ता ती ना, ता ताती नक ताती, ये बोले हैं। दोबारा से बिल्कुल स्लो में देखें, ता ता ती फिर ना, अच्छा ता ता और ती, ये तीनों बोल के साथ हमने का यूज भी किया, केवल ना के साथ नहीं किया, ठीक है। ता ताती, अब आएगा ना अलग और का अलग, नक फिर आएगा ता ती, ठीक है। ता ताती नक ताती, ता ताती नक ताती, ता ताती नक ताती, ता ताती, ता ताती नक ताती। लास्ट में जो ती है उसके साथ भी का नहीं लगेगा, वो केवल खाली बजेगा ऐसे, ठीक है। कैसे, ता ताती नक ताती, ता ताती नक ताती, ता ताती नक ताती, ता ताती नक ताती, ता लास्ट में जैसे आप कंटिन्यूस को बजाएंगे गाने के साथ, तो थोड़ा सा कुछ भी आप क्रिकेट बजा सकते हैं, जैसे कि आगे क्रिकेट क्रिकेट ये हो गया, या फिर इस तरीके से कोई भी आप एक पिकअप बजा सकते हैं। इसके बाद इसके बोल आपको समझ में आ गए, इससे दूसरा देखते हैं थोड़ा सा, इसको पहले फिर देख लेते हैं। ता ता ती ना क ता ती, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता हुआ दूसरा पैटर्न है, कैसे, ता 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 ती न ग ध ती, ता ता ती न ग ध। इसमें हमने क्या करना है, ता ताती नक की जगह ग लगा देना है और धाती, ता ताती फिर आएगा न ग, ग इंडेक्स फिंगर से ग और फिर धा ती धा ती, इससे क्या होगा थोड़ा बेस, इसको आप खुला हुआ भी ले सकते हैं, कैसे, ता ताती न ग धाती, ता ताती नग धाती, समझ गए। बिल्कुल स्लो में देखें, ता ता ती, यहां तक तो सेम है, ठीक है, ती उसके बाद ना भी सेम है, फिर गा जो है ऐसे भी ले सकते हैं खुला हुआ गा सिंगल गा, या फिर गा इंडेक्स फिंगर से ऐसे भी ले सकते हैं अगर बंद बजाएंगे तो गा, और फिर लास्ट में आएगा धा ऐसे और फिर ती, धा ऐसे भी ले सकते हैं, धा ऐसे और फिर ती लास्ट में ऐसे बजेगा। तो कैसे बजाना है, ता ताती नग धाती, ता ताती नग धाती, ता ताती नग धाती, ता ताती नग धाती, ता ता। इस तरीके से आप ये पैटर्न बजा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सेम है, केवल का की जगह गा लगेगा और ता की जगह धा, ये दोनों पैटर्न हो जाएंगे हमारे। अच्छा एक और है, ता ते दिना ग दिना, ता ते दिना ग दिना, ता ते दिना ग दिना, ता दे दी ना ग दी ना, ता दे दी ना ग दी ना, अच्छा ये भी थोड़ा अलग पैटर्न है मुखड़ा टाइप का, ये मिलते जुलते भी ही हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। आपने एक बहुत ही फेमस सॉन्ग भी सुना होगा, नित्य खैर मंगा, उसके स्टार्टिंग पार्ट में जब जैसे कि आप लगा सकते हैं, हालांकि उसमें उठान दूसरा बजा हुआ है, ये जो आपने सुना होगा, लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी, जैसे कि नित्य खैर मंगा, नित्य खैर मंगा सोनिया मेरी, इस तरीके से भी इसको उठाया जा सकता है, ठीक है। तरीका यही है उठाने का,
वही ये पैटर्न है, इसी तरीके से इनका गानों में यूज होता है। ठीक है, तो एक बार ये वाला पैटर्न भी देख लेते हैं। कैसे बजाना है? ता के साथ का लग रहा है, ता फिर धी। पहले वाला धी जो है इंडेक्स फिंगर से आएगा, और यहां से ऐसे दोनों तरफ से इंडेक्स फिंगर से ऐसे धी धी धी। दूसरा वाला धी इन दोनों उंगलियों से, और यहां से भी दोनों उंगलियों से ता धे धी नग धिन ता धी धी न गा धी ना, जो ना का बोल है यहां से निकल रहा है। ठीक है, टा की तरह जैसे टा निकलता है वैसे ना का बोल। ठीक है, ता धी धी ना ग धीन ता धी धी। ठीक है, ऐसे एक एक उंगली को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ता के साथ का लगाया ता, फिर धी, यहां से भी पहली उंगली चली बेस पे और यहां से भी पहली उंगली। ठीक है, तो धी, फिर दूसरी में धी, दूसरा वाला धी, यहां से भी दोनों उंगलियां और यहां से भी दोनों धी ता धी धी। अब आएगा ना यहां से, फिर गा यहां से इस वाली उंगली से इंडेक्स फिंगर से बेस साइड से गा, और फिर धी धी ऐसे बजेगा यहां से पहली उंगली से यहां सेंटर में और यहां से बेस साइड से ऐसे धी। अच्छा, और लास्ट में ना ना ऐसे बजेगा जैसे टा बसता ऐसे। ठीक है, इसको मिलाएंगे आप तो सेम बोल बनेगा ता धी धी ना ग धीन 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 ता धी धी ना ग धीन। इन बोलों को आप खुला भी बजा सकते हैं, कैसे ता धी धी ना ग धीन ता धी धी ना ग धीन ता धी धी ना ग धीन ता। तो इस तरीके से आप इन पैटर्न का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और आगे भी कंटिन्यू मैं कुछ इसके प्रकार अपलोड करने वाला हूँ कि आपने प्रकार चेंज कैसे करना है। ज़्यादातर प्रकार को चेंज करने में प्रॉब्लम आती है, आप अलग अलग ठेके सीखते हैं, वो सब मैं चीज़ें बताता रहूँगा लगातार। कहरवा के अभी कई सारे लेसन और अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फास्ट कहरवा भी हम लोग सीखेंगे, उसमें जब कहरवा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इसी सीरीज़ में आगे दादरा भी स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से फिर दादरा के बाद फिर रूपक चलेगा, दीपचंदी, जो ज़्यादा फेमस तालें जो बजने वाली हैं, जो ज़्यादा प्रयोग होती है। ठीक है, इसी तरीके से पूरी सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तबले के भी लेसन कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आपको देखने चाहिए, अगर आप तबला सीखते हैं या तबला सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, और अगर यूट्यूब से ही सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा लेसन, और लाइक जरूर कर दें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।